दोस्तों आज आपके लिए लेके आया हूं मैं एंटॉर्क रेस एडिशन। आज इसके सारे फीचर्स मैं आपको एक एक करके क्लियर करूंगा, अगर किसी ने भी बीच में फोन करके मुझे डिस्टर्ब ना किया तो। पर पूरी डिटेल आज की वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं। सबसे मेन चीज आपको बताता हूँ, छोटी छोटी बातों से शुरुआत करता हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बनाऊंगा। बहुत भाइयों की शिकायत होती है कि भाई गाड़ी की एक बार फोटो भेज देते, वीडियो भेज देते, क्या डिटेल्स होती है। तो आज सारी चीजें मैं क्लियर ही कर देता हूँ। ये जो आपका टायर है, ये जो टायर है ये 12 इंच का टायर होता है, ठीक है, 10x12 का टायर साइज है और 12 इंच की एलॉय व्हील्स के साथ होगा। और ये आपका जो रोटो पैटल डिस्क ब्रेक है और डायमंड कट लेयर के साथ होगा। 240 mm की फ्रंट डिस्क की यूज़ होती है इसके अंदर। जो इसका कलर है, इसमें 3 कलर का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको रेड दिख रहा है, ये रेड ब्लैक है, येलो ब्लैक एंड ब्लू ब्लैक, ठीक है, 3 कलर के ऑप्शन आता है इसके अंदर। फिर इसके बाद इसमें आ जाती है एलईडी लाइट। वी शेप में आप लाइट देख रहे होंगे, ये रेस एडिशन में आपको मिलेगा। बाकी पूरी लाइट एलईडी है। लाइट आपको एक बार जलाकर दिखा देता हूं मैं। लाइट कुछ इस तरीके से होगी, बाकी मैं बंद कर देता हूं नहीं तो साउंड आपको नहीं आएगा क्लियर। इसमें आपको जो इंडिकेटर मिलेगा, चारों इंडिकेटर एक साथ आप यूज कर सकते हो। टसन मानने के लिए होता है पहली चीज, जबकि टसन मानने के लिए नहीं है। लोग सीधा समझते हैं इसे टसन मारना, ये टसन मारने के लिए नहीं है। जब आप सर्दियों के टाइम जब आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हो, जब मेन रोड पे होगे उस टाइम फॉग होता है हाईवे पे, तो गाड़ियां दिखाई नहीं देती हैं। ये इंडिकेटर उस यूज के लिए है, ये टसन मारने के लिए नहीं है, ये रात को चमकाने के लिए नहीं है, ठीक है। तो आप इसका मतलब समझ चुके होंगे किस लिए अभी। बाकी जो इसमें है डिजिटल मीटर आएगा पूरा का पूरा, इसमें आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके इधर एक तरफ आपको पेट्रोल का शो करेगा, दूसरी तरफ आपको बैटरी का शो करेगा। इसमें ट्रिप ऑप्शन भी है, ट्रिप ए बी एंड एफ। एफ में आपको ये पता चलेगा कि आपकी गाड़ी कितनी चल सकती है, कितना पेट्रोल है, कितने किलोमीटर ये आपकी गाड़ी चल जाएगी, इसमें किलोमीटर शो करता रहेगा। आप देख सकते हो कि मेरा फ्यूल में एफ पोजीशन में, मेरा पेट्रोल गाड़ी में जब 1 लीटर से नीचे है तो मेरी गाड़ी कितने किलोमीटर चल सकती है। तो अप्रोक्स 20-22 किलोमीटर या लास्ट 25 किलोमीटर चल सकती है अगर आप तरीके से राइड करते हो। टसन में राइड करोगे तो 12-15 किलोमीटर ही चलेगी। पूरी की पूरी बॉडी कार्बन फाइबर के अंदर दे रखी है और कार्बन फाइबर स्ट्रॉन्ग वाला कार्बन फाइबर यूज कर रखा है, मेटल से भी हार्ड पड़ता है। तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है कि बॉडी फाइबर में है तो गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। अप्रोक्स लेनी ही चाहिए क्योंकि सस्ता पड़ता है, मेटल से पार्ट सस्ते पड़ते हैं। ये आपका ऑटो किल स्विच हो गया, अगर बटन ऑफ रहेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ऑन रहेगा तो आप किक और सेल्फ दोनों पोजीशंस पे गाड़ी स्टार्ट कर पाओगे। ये आपका टसन मारने वाली लाइट बंद करने के लिए है, जबकि मैंने आपको पहले ही कहा था वो टसन मारने के लिए नहीं है, ठीक है, हजार्ड लाइट बोलते हैं उसे। इसमें आपको सबसे मेन चीज देख रहे हो ग्रीन लाइट, ये इको पावर के लिए होता है। अगर आप इको पे गाड़ी चला रहे हो तो आपको माइलेज आराम से 40, 45, 50 इजिली मिल जाएगी। जैसे ही आप इसे रेस देते हो, थोड़ा सा तेज भगाओगे तो ये ऑटोमेटिक पावर में चली जाएगी, और पावर में जाएगी तो फ्यूल कंजक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से माइलेज आपकी कम हो जाती है। फिर आप कंपनियों को दोष देते हो, भाई मुझे तो सेल्समैन ने पप्पू बना दिया हमारा, उनने तो बोला था 50 की माइलेज देगी। भाई साहब 50 की माइलेज बिल्कुल देगी, पर 50 की तरीके से चलाओगे। तो इसलिए वीडियो में आपको आज सारी डिटेल्स क्लियर कर रहा हूँ, कहाँ छोटी छोटी गलतियां होती है, माइलेज क्यों नहीं मिलती है। ये आप हो गई आपकी लाइट, समझ गए होंगे, समझाना भी जरूरी है इसका, बिल्कुल बता देता हूँ। इस बटन से सिंगल लाइट जलेगी, इस बटन से लो हाई बीम के लिए है, पासिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट राइट इंडिकेटर, देन हॉर्न, इसे तो बड़े जल्दी पहचान जाते हो, हॉर्न, एक बार और बजाऊं, हॉर्न। चलो अब आपको बूट स्पेस की बात करते हैं, यहाँ पे आ जाता है आपका भैया, अच्छा खासा स्पेस है, इस पे आराम से सिलेंडर रख सकते हो, 19 mm का स्पेस है, अच्छा खासा इजली सिलेंडर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिनिशिंग जो दे रखी है आप यहाँ भी देखो, बहुत गाड़ियों की फिनिशिंग आप देखोगे ना इस साइड ही फिनिशिंग, मतलब यहीं आके सत्यानाश कर देते हैं गाड़ी का।
ऊपर तक तो बहुत बढ़िया लगता है, नीचे आके यहीं भी ऊटपटंग कर काम कर देंगे तो, पर आपको यहाँ पे भी काम सारे क्लियर फिनिशिंग के साथ मिलेगी। एक एक चीजें दिखा रहा हूँ मैं, ग्राफिक्स देख सकते हो आप, 125 सीसी में ये गाड़ी दे रखी है, बकायदा रेस एडिशन इज्जत से लिखा हुआ आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे की तरफ, पीछे की साइड भी आपको जो टायर साइज होगा सेम आपका 12 इंच का ही होगा। ये आपका इंजन, आप ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे नीचे दे रखा है, इंजन का जो मीटर वायर लगता है वो यहाँ से कनेक्ट होता है, ये इधर दे रखा है इधर, ठीक है। अब ज़्यादा डीपली भी हाथ नहीं डाल के दिखा सकता मैं। और पीछे की जो टेल लाइट है वो भी LED मिलेगी, और भाई साहब डिजाइन तो पूछो ही मत, TVS तो मानो पैसा इसी बात पे लगाता है, ठीक है दोस्त। अब बात करते हैं इसकी फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक जो होगा पीछे के साइड से ही है, उसके लिए भी स्पेशली एक लॉक दे रखा है जो आप यहां पर आप लगाकर खोल सकते हैं। अब आपको दिख जाएगा डिक्की स्टोरेज, डिक्की में आपका स्टोरेज इतना बढ़िया है कि आप इजीली आप एक हेलमेट रख सकते हो, डिक्की देख के आपको पता चल चुका होगा। अगर आप किसी भी और गाड़ी से कंपेयर करोगे एक्टिवा एक्टिवा से कम 5-6 लीटर तो डिक्की स्पेस ज़्यादा होगा ही होगा, उसमें आधा हेलमेट भी ऐसे लगता है फंसा के घुसाया है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी कंपनी की तारीफ बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ही एक डीलर हूँ तो मैं बुराई और तारीफ नहीं कर रहा, जो चीज़ें जो आपको लेनी चाहिए जो क्वालिटी है वो चीज़ बात कर रहा हूँ मैं। ये आपका आ चुका है चार्जिंग पॉइंट के लिए, यहाँ चार्जिंग पॉइंट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो। ये आपका OBD बोर्ड है, ऑन बोर्डिंग डाइजेक्शन सिस्टम होता है, अगर गाड़ी में कल को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो डायरेक्ट लैपटॉप से कनेक्ट करा जाएगा, देन फिर गाड़ी के आपके पार्ट्स खोले जाएंगे, जो ये सारी चीज़ें TVS कंपनी ही देती है, बाकी और कंपनी कोई प्रोवाइड नहीं कराती है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दें, कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो सोचो समझो देखो फिर जाके कहीं स्कूटी में 1-1.25 लाख रुपए लगाओ। ये छोटी छोटी जानकारी MM मोटर से चंदन मिश्रा आपके लिए लाते रहेंगे। फाइनेंस करने के लिए आपको जैसा भी मैंने बता ही रखा है, मात्र 5-10 हज़ार रुपये अपनी जेब में रख के लाओ, 21 साल से ऊपर एज होनी चाहिए, 21 साल के नीचे के प्राणी इंसान भाई बहन बंधु देश बंधु कृपया कॉल ना करें। भाई साहब 16 साल का लड़का कॉल करके बोलता है ये गाड़ी दे देगा तू मुझे 16 साल एज है मेरी, तो भाई ऐसे बेतुके मजाक ना करें, जिनको ज़रूरत होती है उनके भी कॉल नहीं उठ पाएंगे, तो मेरी बात को समझें, वही लोग कॉल करें जो इनकी एज 21 साल से ऊपर हो या 21 साल हो चुकी हो। मैं चाहता हूँ सबकी हेल्प हो, सबका काम हो जाए, अब अननेसेसरी कॉल करने पे काम नहीं होता, 21 साल की एज होनी चाहिए, 20 भी एक बार को होगी तो कर दूंगा, पर 20 से नीचे फाइनेंस नहीं होता। दिल्ली का आधार कार्ड कंपलसरी है, आधार कार्ड फोन नंबर से लिंक होना चाहिए। आज की डेट में फरवरी के महीने में 2023 में सबसे बड़ा चेंजेस यही हुआ है कि कोई सी भी गाड़ी होगी नंबर प्लेट के साथ ही मिलेगी, बिना नंबर प्लेट के डिलीवरी गाड़ी नहीं होगी, ये दिल्ली गवर्नमेंट का रूल है, हमारा रूल नहीं है, किसी डीलर का रूल नहीं है। आप पूरे दिल्ली में कहीं भी पता करोगे आपको एक ही चीज बात सुनने को मिलेगी, तो इसलिए कह रहा हूं जिसका बर्थडे 10 तारीख का है तो 4 तारीख को शोरूम पहुंच जाए, जिनकी सालगिरह 15 तारीख को है भाई साहब 8 तारीख को पहुंच जाए, नहीं सालगिरह नहीं मना पाओगे, ध्यान रखना मेरी बातों को। इसलिए जल्दी से जल्दी MM मोटर में संपर्क करो और अपनी गाड़ी मनपसंद गाड़ी कोई सी भी गाड़ी फटाफट बुक कराओ, बताने की जरूरत नहीं है कहां बुक कराओगे MM मोटर। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, भाई साहब बिना शेयर करे हुए मत जाना, शेयर करके जाना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई, रिक्वेस्ट है यार, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।